Good morning, student. Subject mathematics class 9 exercise 5.2 option book हमारी है NCERT सेंट एक्सरसाइज 5.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया था और इसमें जो थ्योरम यूज होंगी RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड और SSS वो हमने डिस्कस कर ली थी सेंट साथ साथ हमने तो इससे पहले थ्योरम हमने हमारे चैप्टर में यूज हुई है वो भी हमने डिस्कस की थी एक्सियोम 7.1 हमने डिस्कस कर लिया था विच इज SAS साइड एंगल साइड एंड थ्योरम 7.1 विच इज ASA एंगल साइड एंगल और उसकी कॉरोलरी AAS जो भी इससे पहले थ्योरम्स आई हैं या एक्सियोम आया है इस जो प्रीवियस वीडियो थी हमने उसमें डिस्कस कर लिया था और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था तो सेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल ABC इन व्हिच AB इक्वल टू AC शो दैट AD is an altitude, altitude means 90 degree का angle होगा. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC, AB AC equal है. Show that AD bisect angle, bisect BC. ये prove करना है कि AD BC को bisect करेगा और AD bisect angle A. AD एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा ये दो बातें स्टेट हमने प्रूव कर लिया तो गिवन हम लिखते हैं सबसे पहले AB इक्वल टू AC एंड AD परपेंडिकुलर BC टू प्रूव में स्टेट ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप लिख लीजिए एंड सेकंड दोनों लिख लीजिएगा हाँ तो प्रूफ में इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC क्या कहे स्टूडेंट अब इसमें AB इक्वल टू AC ये गिवन है AD इक्वल टू AD ये कॉमन है एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC इज 90 degree देयरफॉर ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ADC तो ये सॉरी सिमिलर मींस एंड कॉन्ग्रुएंट ये ADB ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हुआ ADC के और हमें प्रूफ क्या करना है AD बाइसेक्ट BC को बाइसेक्ट करता है तो स्टूडेंट देखिए आप यहां से क्या लिख सकते हैं BD इक्वल टू DC by CPCT या देखिए आप क्या DB DC के इक्वल बिल्कुल तो आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट सो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ साइड DC आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट ये एंगल इसके इक्वल होगा CPCT से एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD और ये भी किस कारण से हुआ स्टूडेंट बाय CPCT करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बिकॉज दिस ट्रायंगल ADBC कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इक्वल होंगे CPCT से देयरफॉर Therefore, AD is the
बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सेट क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। टू साइड्स एबीएन बीसी एंड मीडियन एएम ऑफ वन ट्रायंगल एबीबीसी एंड मीडियन ए और मीडियन एसएम एंड मीडियन एएम, मीडियन एएम ऑफ वन ट्रायंगल एबीसी आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू पीक्यूक्यूआर एंड मीडियन पीएन। पीएन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर शो दैट सेट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मीडियन बता दूं क्या होता है। अ लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइन अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाता है। मान लीजिए ये एबीसी है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ये लाइन सेगमेंट जो ए से गया और बीसी के मिड पॉइंट से मिला, दैट इज द मीडियन। तो मीडियन का डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लो, स्टूडेंट मैं बोल दे रहा हूँ। अ लाइन सेगमेंट इन अ ट्रायंगल व्हिच जॉइन अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन का मतलब तो रहता है कि ये जो साइड है बी एन इक्वल टू एम सी होगा, क्यू एन इक्वल टू एम आर। इसके बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पी क्यू एन पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर शो दैट। एक तो हमें प्रूव करना है ए बी एम, ए बी एम कॉन्ग्रुएंट पी क्यू एन। तो ये तो बड़ा इजीली हो जाएगा स्टूडेंट। करते हैं गिवन जो हमें पता है वो लिख लीजिए। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू पी सी, बी एम इक्वल टू ए बी इक्वल टू पी सी, ए बी पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए एम इक्वल टू पी एम। टू प्रूव, तो प्रूव में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड लिख लीजिएगा। प्रूव करें स्टूडेंट, बिकॉज बी सी इक्वल टू क्यू आर, अगर ये इक्वल है तो इनके हाफ इक्वल होंगे। बी सी इक्वल टू हाफ क्यू आर, हाफ बी सी हाफ क्यू आर, बिकॉज ए एम इज द मीडियन। मीडियन मीन्स स्टूडेंट ये टू इक्वल पार्ट्स होते हैं, बी एम इक्वल टू एम सी हो जाएगा। तो हाफ बी सी को हाफ बी एम लिख सकते हैं, बी एम इक्वल टू क्यू एम। नाउ इन ट्रायंगल ए बी एम, ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, ए बी इक्वल टू पी क्यू है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी एम इक्वल टू क्यू एम, बी एम इक्वल टू क्यू एम और ए एम इक्वल टू पी एम, ए एम इक्वल टू पी एम है। तो स्टूडेंट आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम, ए बी एम, ए बी एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू एम के, पी क्यू एम। और कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा स्टूडेंट, ट्रिपल एस। तो जब ये हो जाएगा स्टूडेंट तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी, ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका, ए बी एम इक्वल एंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन, ए बी एम इक्वल टू पी क्यू एन बाय सी पी सी टी। अब आप ए बी एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी इक्वल टू पी क्यू एन को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं, पी क्यू आर। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू पी क्यू ये गिवन है,
इक्वल टू क्यू आर, ये गिवन है, एंगल एबीसी, एबीसी इक्वल टू एंगल पीक्यूआर, ये है क्या बी सी डिस्टेंट बिल्कुल
अब लिख सकते हैं एंगल एफ बी सी, एफ बी सी इक्वल एंगल ई सी बी, ई सी बी बाई सी पी सी टी। और एफ बी सी को आप देखिए, एफ बी सी को आप ए बी सी लिख सकते हो, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल और ई सी बी, ई सी बी देखिए ध्यान से सेंट, ई सी बी को आप ए सी बी लिख सकते हैं, लिखिए एंगल ए सी बी। नाउ ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा, क्या कहेंगे स्टूडेंट से, क्योंकि एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा, तो आप इसे कहेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। कारण लिखेंगे स्टूडेंट साइड्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, तो यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। अब जब ए बी इक्वल टू ए सी होगा तो आप क्या कह सकते हैं, देयर फॉर ए बी सी इज एन आइसो सेलस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं ये वाला पोर्शन रफ करने जा रहा हूँ स्टूडेंट, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. Draw AC perpendicular to BC to show that angle B equal to C. Given AB equal to AC, ये साइड इज इक्वल और AP परपेंडिकुलर BC, टू प्रूव एंगल B equal to एंगल C। देखिए स्टैंड प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी, ए पी बी एंड ए पी सी, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन, एंगल ए पी बी ए पी सी ईच 90, देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल ए पी सी के बाय आर एच एस, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो स्टूडेंट ये एंगल देखिए क्या ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, देखिए बी सी के, यस स्टूडेंट एंगल ए बी, ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी बाय सी पी सी टी, और स्टूडेंट ए बी पी जहाँ से देखिए ए बी पी को आप ए बी सी लिख सकते हैं, मतलब बी लिख सकते हैं, और ए सी पी को आप ए सी बी लिख सकते हैं, मतलब सी लिख सकते हैं, यही प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज शुरू कंप्लीट होता है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।